वेद पुराणों में बतलाया गया है, जितनी शक्ति सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु में होती है, उतनी ही शक्ति महापुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के अंदर विद्यमान है। इसीलिए महज राम नाम का जाप करने से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, जो हम आपको आज के इस क्रमांक में बताएंगे। आइए बात कर लेते हैं क्रमबद्ध तरीके से और जानते हैं ऐसी कौन सी शक्ति है जो केवल आपको महज राम राम कहने से प्राप्त हो जाती है। सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी हम किसी मंत्र का माला से जाप करते हैं तो 108 बार करते हैं, क्योंकि एक माला में 108 मन के होते हैं। 108 की संख्या को बेहद शुभ माना गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राम राम कह देने भर से 108 का योग बन जाता है, यानी राम राम साथ बोलना ही एक माला के समान पाया गया है। दरअसल अगर आप हिंदी की शब्दावली पर गौर करें तो र 27वां शब्द है, आ की मात्रा दूसरा और म 25वां शब्द है। अब अगर इन तीनों का योग किया जाए तो 27 जमा 2 जमा 25 बराबर 54 हुआ, 54 जमा 54 बराबर 108 हुआ। इस तरह राम राम कहने से 108 का योग बन जाता है। इसका तात्पर्य है कि राम राम कहने से एक माला जाप के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए जो भी साधक महज राम राम एक बार भी कह दे तो एक बार राम राम कहने से 108 बार माला जाप करने का लाभ और पुण्य आपको प्राप्त होता है। तो सोचिए अगर जीवन में हम राम राम को अपना मुख्य पात्र बना लें तो जीवन में कितने लाभों को अर्जित कर सकते हैं। आइए बात करते हैं दूसरे लाभ के बारे में। दूसरा लाभ कहता है, अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से रोज सुबह एक ही बार राम नाम का जाप करता है तो उस व्यक्ति के अंदर सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है, जिससे उस व्यक्ति के अंदर किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने की ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। इसीलिए राम नाम का जाप करना नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। ऐसे में हर व्यक्ति को सुबह उठने के बाद राम नाम का जाप अवश्य करना चाहिए। और अगर आप राम नाम को सिद्ध करना चाहते हैं तो इसके लिए आप बड़े ही सरल तरीके से प्रतिदिन राम नाम का जाप अवश्य प्रारंभ करें। और महाराज जी भी अवश्य इस बारे में बताते हैं कि राम नाम जो है इस सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है, सृष्टि का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। बार बार राम राम बोलने से प्रभु श्री राम जी का नाम स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। और एक दिन ऐसा अवश्य आपके जीवन में आएगा जब आप राम नाम का जाप करने के बाद जो भी कार्य करेंगे आपका हर कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए प्रतिदिन हर साधक को, हर व्यक्ति को राम नाम का जाप अवश्य करना चाहिए। आइए बात करते हैं अगले उस लाभ की जो आपको प्राप्त होती है। प्रभु श्री राम जी के नाम में इतनी शक्ति है कि आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा को पूर्ण करने की पूरी सामर्थ्य प्रभु श्री राम जी के नाम में छिपी हुई है। आइए बात करते हैं कैसे। अगर किसी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का कोई कार्य रुका हुआ है या फिर उसे करने में किसी प्रकार की परेशानी का अनुभव हो रहा है तो आप अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर 10 मिनट तक सच्चे दिल से प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करें तो आप अपने काम में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। चाहे वह कोई व्यापारी हो, चाहे वह खेती करता हो, चाहे कोई भी कार्य हो या कोई भी कार्य करने वाला कार्यरत व्यक्ति हो, अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आप राम नाम का जाप करके अपनी समस्या का समाधान अवश्य कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले लाभ की। जो लोग जीवन में असाध्य रोगों से पीड़ित हैं और उन रोगों से मुक्ति पाने के लिए बहुत बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बहुत पीड़ा को झेल रहे हैं, तो प्रभु श्री राम जी के नाम में इतनी शक्ति है कि असाध्य से असाध्य रोगों को भी बड़ी आसानी से प्रभु श्री राम जी के नाम से आसानी से ठीक किया जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे। अगर किसी महिला या पुरुष को शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है तो इसके लिए आपको राम नाम का जाप करके राम नाम को सिद्ध करना होगा। और सिद्ध करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि प्रतिदिन आपको प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है, उसके पश्चात आप उन रोगों से मुक्ति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि राम नाम का जाप करने से पाप कष्ट दोष सभी का निवारण हो जाता है। लेकिन राम नाम को केवल आप इस प्रकार से करें कि जब तक मन में ये भाव ना आए कि आप प्रतिदिन ये जाप करेंगे या नियमबद्ध या क्रमबद्ध होकर करेंगे, तभी आप प्रभु श्री राम जी के नाम का बहुत सा लाभ अर्जित कर सकते हैं। देखिए ये नियम है कि जीवन में जो व्यक्ति नियमबद्ध होकर आगे बढ़ता है उसके सारे कार्य प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से अवश्य पूरे होते ही हैं। इसीलिए
रोजाना व्यक्ति को चाहिए कि स्नान आदि करने के बाद एक आसन बनाकर प्रभु श्री राम जी की छवि चित्र या प्रतिमा के समक्ष बैठकर यदि आप जाप करें तो आपको ध्यान करने में और भी आसानी होगी, और जब भी आप प्रभु श्री राम जी के नाम का उच्चारण करेंगे तो आपको हृदय से ऐसा लगेगा कि प्रभु श्री राम जी का जो अमोघ आशीर्वाद है वे आपके साथ बना हुआ है। आइए बात करते हैं अगले उस लाभ की जो कि आपको अपने जीवन से प्रत्येक परेशानी से प्रत्येक दुख से छुटकारा दिलाने में पूरी तरह से समर्थ है। वेद पुराणों में राम नाम को जल वायु अग्नि आकाश आदि के समान पुरुषोत्तम राम माना गया है। ऐसे में जो व्यक्ति सच्चे मन से रोज सुबह उठने के पश्चात एक बार भी प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर जाप करता है तो वह व्यक्ति सभी प्रकार के दुख कष्ट से दूर रहता है और उसके अंदर सकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है और आपका पूरा दिन ऊर्जा से भरपूर रहता है। ऐसे में अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है या फिर आप अपने किसी गलत कार्य को लेकर पश्चाताप कर रहे हैं और उसका पश्चाताप करना चाहते हैं तो इसके लिए राम नाम का जाप करने के अलावा और जीवन में ऐसा कोई मूल मंत्र नहीं है, ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिससे आपको जल्दी से अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। इसीलिए आप अपने जीवन को सरल समृद्ध बनाने के लिए राम नाम का जाप अवश्य करें। और जान लेते हैं एक सबसे बड़ा लाभ जो कि आपको प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करने से मिलता है। बहुत से लोग इस जीवन में इसलिए भी परेशान हैं कि उनको मन की शांति है ही नहीं। हर मनुष्य सुख संपदा प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं करता, लेकिन उसके मन में कभी भी शांति उसे नहीं मिलती है और वो पूरे जीवन परिश्रम करता रहता है। लेकिन कोई व्यक्ति जब सच्चे मन से राम नाम का जाप करता है तो उस व्यक्ति को सच्चे दिल से शांति प्राप्त होती है, क्योंकि राम नाम का जाप करने से जातक भक्ति की ओर प्रेरित होता रहता है और फिर उस व्यक्ति के अंदर भौतिक सुख संपदा प्राप्त करने की इच्छा खत्म हो जाती है तथा परमेश्वर के दर्शन प्राप्त करना आपका परम लक्ष्य बन जाता है, जो कि महाराज जी आपको अवश्य सिखाते हैं कि जीवन में इस भौतिक संसार से मत जुड़ें। ये भौतिक संसार जो है वह नश्वर है, इसलिए प्रभु की खोज में निकल जाएं। जो व्यक्ति दिन भर प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करता है, यानी कि खाली समय जब भी आपको मिलता है प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप अगर आप लगातार करते हैं तो आपको एक ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है जो कि आपको इस बात का आभास कराता है कि आप इस भौतिक संसार में हैं तो सही, लेकिन इस संसार से बहुत परे भी हैं आप। क्योंकि जिस व्यक्ति को पता है कि जीवन एक दिन छोड़ के जाना है वो अपने आप में संतत्व को प्राप्त हो जाता है, और ऐसा भाव लाने के लिए बहुत प्रयास कई लोग करते हैं, लेकिन सबसे सरल तरीका महाराज जी ने बताया है कि प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करके देखिए। आपके जीवन के हर तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए प्रभु श्री राम जी का नाम बहुत है, इस जीवन में भेद करने के लिए प्रभु श्री राम जी का नाम बहुत है, लेकिन एक बार मुख पर ला के देखिए, जीवन ना बदल जाए तो अवश्य आप कहिएगा। बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण लाभ की। अगला महत्वपूर्ण लाभ बड़ा ही बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे अवश्य सुनिएगा। अगला लाभ यह है कि वेद पुराणों में साफ साफ लिखा गया है कि जो व्यक्ति अपना वैवाहिक जीवन जीने के साथ साथ राम नाम की भक्ति करता है तो उस व्यक्ति को सरलता पूर्वक से मृत्यु मिल जाती है, क्योंकि मृत्यु के लिए भी कर्म की आवश्यकता होती है, और ऐसा अनन्य साधक सीधा प्रभु श्री राम जी के धाम पहुंच जाता है। कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के अस्तित्व को समझकर अपने जीवन को जीता है और साथ में राम नाम का जाप भी करता है तो उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि राम जी उसे साक्षात दर्शन दे देते हैं। इसीलिए राम नाम में बहुत ज्यादा शक्ति है। अगर आप अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं और अपने आप को प्रभु श्री राम जी के आदर्शों से परिपूर्ण करना चाहते हैं तो आज से ही प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना प्रारंभ करिए, आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी और प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।